दोस्तों, प्री वेडिंग एडिट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि लाइट रेस किस तरह से बनाए जाते हैं। और आज दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आप खुश हो जाओगे। पहले आपको ये थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन अगर आपने इसमें प्रैक्टिस की तो आपको ये आसान लगने लगेगा। मेक श्योर करना है फोरग्राउंड कलर व्हाइट हो और बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो। दोस्तों, लेयर में जाके मैं न्यू फिल लेयर में ग्रेडियंट की दबाता हूँ। जैसे मैं ग्रेडियंट की दबाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं नाम लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं उसका मोड चेंज कर सकता हूँ। तो मैं पहले क्या करता हूँ आपको समझने के लिए, इसको लिख देता हूँ रेज और मैं यहाँ पर ओके दबाता हूँ। जैसे ही मैंने ओके दबाया तो आपको दिखेगा यहाँ से ग्रेडियंट है वो वाइट टू ट्रांसपेरेंट हो गया है। मैं यहाँ पर ओके दबाता हूँ और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो लेके आता हूँ स्क्रीन पे, और मैं इस पे फिर से क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं लेके जाता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट पे। तो आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक एंड व्हाइट किया है। आपको तो पता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये जो हमारा ब्लेंडिंग मोड है वो स्क्रीन में रहेगा तो ब्लैक दिखेगा नहीं और व्हाइट दिखेगा। तो फिर इसके बाद क्या करना है, तो मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही ग्रेडियंट एडिटर खुलता है। मैं सॉलिड से इसको नॉइज में लेके आता हूँ। नॉइज में लेके आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर काफी स्ट्राइक्स दिखेंगे। मैं जैसे रैंडमाइज क्लिक कर रहा हूँ आपको अलग 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 टाइप के रेज दिखाई देंगे। जब तक मुझे सेटिस्फाई नहीं होता तब तक मैं क्लिक करते रहूंगा। देखिए ये मुझे सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट लगता है, लेकिन मुझे ये कलरफुल नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये कलर मॉडल है वहां पर RGB से मैं HSB में लेके जाता हूँ। ये देखिए मैं HSP में लाया और यहाँ पर क्या लिखा है, H बोले तो यू, S बोले तो सैचुरेशन और B बोले तो ब्राइटनेस। तो मैं क्या करता हूँ इसमें का सैचुरेशन पूरा जीरो कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक एंड व्हाइट रेज हो गए, दिख रहे हैं आपको। तो दोस्तों, मैं फिर से रैंडमाइज पे क्लिक करता हूँ। मुझे जब तक वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता मैं क्लिक करते रहूंगा। ये देखिए मुझे परफेक्ट मिला है। मैं यहाँ पर ओके दबाता हूँ और अभी इसकी सबसे बड़ी की है, मैं लीनियर से इसको लेके जाता हूँ एंगल पे। जैसे ही मैंने एंगल पे लेके गया तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेस दिखाई देते हैं। और रेस को मैं यहाँ से, ये देखिए मुझे यहाँ से आना है, यानी रेस यहाँ से आ रहे हैं ऐसे दिखाना है, इसलिए मैं इसको कहाँ पर लेके गया, एक कॉर्नर में लेके गया। फिर मैं इसका यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा एंगल में चाहिए। हाँ, ये काफी अच्छा दिखता है और मैं यहाँ पर ओके दबाता हूँ। लेकिन इसमें तो ये पूरे इमेज पे आ गए, फिर क्या करना है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल बैकस्पेस दबाता हूँ तो मेरा जो मास्क है वो ब्लैक हो गया। फिर मैं ब्रश लेके ब्रश से इसको पेंट करता हूँ कि जैसे रेज आ रहे हैं वो दिखने के लिए। देखो काफी बढ़िया रेज है। तो दोस्तों, आज का सीक्रेट ये है, यानी ये रेज कैसे बनाने, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसका सीक्रेट ये है कि इसको मुझे कलराइज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ग्रेडियंट पे जाता हूँ और जैसे मैंने सैचुरेशन जीरो किया था तो मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ इसको। ये देखिए कलर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं और इसको मैं चेंज करते जाता हूँ, येलो तक लेके आता हूँ। जैसे कि ये देखिए अभी आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छे कलरफुल रेज मिल गए। तो हमें यहाँ पर मैं ओके दबाता हूँ और आप देखिए यहाँ पर कलरफुल रेज जो मैंने दिखाया आपको, ये देखिए यहाँ पर पूरे कलरफुल रेज दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके रेज अच्छे अच्छे होते जाएंगे। तो दोस्तों, ये एपिसोड आपको कैसा लगा है कॉमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।